हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम नीता बिश्नोई। आज मैं बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी, टी लीव्स के बारे में, कि चाय पत्ती को आप कैसे अपने किचन से गार्डन तक लेके आ सकते हैं। ये टी लीव्स है, ड्राइड टी लीव्स है, यूज्ड है। इनको कैसे आप किचन से डायरेक्टली गार्डन में लेके आएंगे और क्या क्या करेंगे उससे पहले, और ये क्या हेल्प कर सकती है, कैसे इसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये टी लीव्स बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र है और ये यूज़ भी कई जगह हो जाता है। और इसकी क्वालिटी मैं सबसे पहले बता देती हूँ क्या क्या है। देखिए, टी लीव्स जैसे ये सिग्निफाई करती है, पत्तियों से बना हुआ है। हर पत्ती में नाइट्रोजन होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है हर प्लांट का। तो ये इसको हम लोग एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार हम लोग केमिकल्स के थ्रू कर सकते हैं, कई बार हम लोग ऑर्गेनिकली कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिकली कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होके कर सकते हैं, तो वाई नॉट। तो ये जो टी लीव्स हैं, ये फुल ऑफ नाइट्रोजन है। इसमें तीनों चीज़ें हैं, इनफैक्ट नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटेशियम, तीनों चीज़ें हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें काफ़ी अच्छी होती है, तो ये प्लांट्स के लिए नेचुरली हेल्पफुल है। उसमें इसमें चाय पत्ती में एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं टैनिक एसिड। वो टैनिक एसिड स्लाइटली एसिडिक होता है। तो हर प्लांट हम लोग के गार्डन में एसिडिक सॉइल नहीं लाइक करता। तो कुछ प्लांट्स एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं और फोलियज भी अच्छी देते हैं, और कई नहीं कर पाते। जो एसिडिक सॉइल इंजॉय करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। और उनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, रोज बुश है, फर्न्स हैं, कैलेडियम्स हैं, पिटूनियाज हैं, कई प्लांट हैं, टोमेटोज हैं। ये सब चीज़ें, ये सब प्लांट एसिडिक सॉइल इंजॉय करते हैं। तो इसके मतलब ये टी लीव्स का फर्टिलाइज़र लाइक करेंगे। अब टी लीव्स को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। जो हम लोग ने चाय बनाई है, अगर आपने उसमें चीनी और दूध दोनों डाला हुआ है, तो अच्छी तरह से आपको वॉश करना पड़ेगा। खूब अच्छे से पत्ती को वॉश करके आप नॉर्मल प्लेट में रख के धूप में सुखा दें। ये देखिए, ये गीली पत्ती है जो मैंने सुबह यूज़ की थी, ये ड्राइड पत्ती है और ये चाय पत्ती का पानी है और ये टी बैग है। ये देखते हैं कैसे टी लीव्स कैसे फर्टिलाइज करते हैं, कैसे पॉटिंग सॉइल को इम्प्रूव करते हैं, पॉटिंग सॉइल की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं। और देखिए क्या होता है, आप जब पॉटिंग सॉइल लेते हैं और प्लांट लगाते हैं, तो शुरू में उसका बहुत अच्छी पॉटिंग सॉइल रहती है, बहुत एनरिच्ड रहती है और बहुत न्यूट्रिएंट्स रहते हैं आपने डाले होते हैं। मगर जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, उसके लीव्स के लिए, उसके फ्रूट्स के लिए, फल के लिए, उसके फोलियज के लिए, सब के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है अपने रूट के थ्रू अपने पॉट में से। और पॉट का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ये डिप्लीट होते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो इनको आपको रिप्लेनिश करना पड़ता है कुछ दिनों बाद। और बेस्ट वे क्या होता है रिप्लेनिश करने का, ऑर्गेनिकली, जो प्लांट भी लाइक करेंगे और हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और पॉटिंग मिक्स के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉटिंग मिक्स आपकी कभी भी मिट्टी ख़राब नहीं होगी, एनरिच्ड रहेगी हमेशा। तो पॉटिंग सॉइल में जाने के बाद ये क्या करता है कि वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है, ऑक्सीजन कंटेंट मिट्टी में ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से इसकी रूट ग्रोथ अच्छी होती है और जिसकी वजह से ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है मिट्टी में से और अपने ग्रोथ कर सकता है बहुत अच्छी। अब एक और चीज़ क्या होता है, जैसे आपने थोड़ी सी ये पॉटिंग सॉइल डाली, टी लीव्स डाली, तो क्या होगा, टी लीव्स धीरे धीरे डीकम्पोज होंगी, और डीकम्पोज होंगी
तो क्या होगा, इसके पॉटिंग मिक्स बहुत न्यूट्रिशियस होती चली जाएगी, ये इसमें नाइट्रोजन है ये मिक्स होता चला जाएगा, इसमें डिकम्पोज होता जाएगा और इसकी जो सॉइल एनरिच्ड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो वो माइक्रोब्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और माइक्रोब्स के लिए जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है नेचुरली, गुड माइक्रोब्स और जैसे अर्थवर्म्स और कई चीज़ें होती हैं, उनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से हमारी सॉइल और ज़्यादा एनरिच्ड हो जाएगी और ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाएगी और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी प्लांट के लिए, रूट्स के लिए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि एज अ मल्च अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या फायदा करता है। देखिए, अगर मल्च की तरह यूज करेंगे, ऊपर ऊपर डालेंगे, तो शुरू में तो ये धूप डायरेक्ट रोकेगा और वाटर रिटेंशन में हेल्प करेगा, मगर धीरे धीरे जब ये डिकम्पोज होके मिट्टी में मिलता जाएगा और थोड़ा थोड़ा पानी इसका नीचे जाता रहेगा, तो ये न्यूट्रिशन भी देता रहेगा इसके पॉट को। तो देखा आपने ये कितने तरीकों से हेल्प कर सकता है। अब देखते हैं कि आप कॉम्पोस्ट में कैसे ये हेल्प करता है। कॉम्पोस्ट में वो वाली चाय पत्ती आप डालिए जिसमें आपने अदरक या कुछ डाला हुआ है, क्योंकि वो इसके लिए, प्लांट्स के लिए इतना बढ़िया नहीं रहेगा और वो कॉम्पोस्ट के लिए अच्छा रहेगा, और कॉम्पोस्ट भी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और फास्टर बन जाएगा आपका, क्योंकि वही रीज़न है, माइक्रोब्स जो हैं और जो अर्थवर्म्स हैं उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे और बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देंगे वो कॉम्पोस्ट को, जो आपने वेजिटेबल पील्स और फ्रूट पील्स वो सब डाली हुई हैं, और जल्दी आपकी खाद बढ़िया बन जाएगी। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, ये वाली वेट वाली एकदम नहीं यूज़ करनी है, आपको इसको ड्राई करना है। ये ड्राइड है, और ड्राइड को क्या कर सकते हैं, मैं फर्न में डालूंगी क्योंकि फर्न लाइक करता है, बहुत ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालनी चाहिए। ऑर्गेनिक तो चलो नुकसान नहीं करता, मगर क्यों ज़्यादा डालना है, बस देखिए इतना, 1 टीस्पून होगा, इसको रिम के चारों तरफ, ये आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये रिम के चारों तरफ, ये मैंने अब डाल दिया। अब क्या होगा, जब भी मैं पानी डालूंगी तो इसका थोड़ा सा चाय की पत्ती का वो सॉल्यूशन बनता जाएगा, मिलता जाएगा, एंड में डिकम्पोज हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को टी अगर ये यूज करना है, वाटर ये कैसे यूज करेंगे। ये भी हेल्पफुल होता है, मगर ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो इसको हमेशा डाइल्यूट करिए। इनफैक्ट जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, क्योंकि हम लोग के पॉट्स, देखिए मैं बार बार बोलती हूँ, पॉट्स हमारे बहुत छोटे हैं, इनमें ज़्यादा नहीं है मिट्टी, तो अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर हो गया तो रूट्स को वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, डाइल्यूशन ज़्यादा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हल्का हो गया फर्टिलाइजर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें मैंने इतना सारा लिया है, इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी, बस 1/4 कप 1 लीटर पानी में, और ये भी बहुत डाइल्यूटेड है, और बस इसको किस में मैं डालती हूँ, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, रोज में भी डालेंगे। पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया है इस प्लांट में, अब ये पूरा नहीं डालूंगी जग, थोड़ा सा डालूंगी यहां से यहां तक, बस इतना, इस वाले रोज बुश में भी डाल देती हूँ, ये यहाँ बस इतना, और गीला ऑलरेडी है ये, तो अंदर अपने आप चला जाएगा। ये तरीका है इसके लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने का। अब मल्च की तरह यूज करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये हम लोग ने ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो थोड़ा डालेंगे इसमें, ये देखिए थोड़ा सा साइड से डाल दिया, और इसके ऊपर जो पत्तियां थी वो पत्तियां भर देंगे। और अब अगर ये यूज करना चाहते हैं आप टी लीव्स, जिस जो कि एक क्लॉथ पीस में है, तो
तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो ड्रेन होल है उसके ऊपर भी रख सकते हैं खंगा रखने की जगह। और वैसे ये एज इट इज नहीं डालना है इसके, अगर टी लीव्स टी बैग्स यूज करते हैं तो इसको खोल के फिर कॉम्पोस्ट में आप स्प्रिंकल डायरेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको ये वीडियो टी लीव्स एज अ फर्टिलाइजर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।